एम्पलीफायर के में होने वाले सभी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशन के भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर इस एम्पलीफायर में सप्लाई नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इसके वायर को चेक करेंगे। अगर वायर ठीक होगा तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज से सप्लाई डायरेक्ट इस स्विच में आया हुआ है और स्विच से इस ट्रांसफार्मर में गया है। तो पहले इस फ्यूज को चेक करना है, उसके बाद इस स्विच को चेक करना है। तो अगर ये सब सही हैं तो उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसको भी चेक करना है। अगर आपने इतना सब चेक कर लिया तो सप्लाई का प्रॉब्लम जो है 100% ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगले फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एम्पलीफायर का एक पार्ट जो है या दोनों पार्ट प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, तो उस केस में सबसे पहले यहाँ पे फ्यूज चेक करेंगे। अगर फ्यूज चला हुआ है तो समझ जाइए कि जिस सेक्शन में उड़ा है उस सेक्शन का ये ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट होंगे। उसको आप चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है 100% ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले फॉल्ट के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एम्पलीफायर जो है सही होता है, कि आउटपुट लेवल जो है चलता है लेकिन आवाज़ नहीं आता है। तो उस केस में सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दो रिले लगा हुआ है। इन दोनों रिले को चेक करेंगे और ये रिले कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके सप्लाई को यहाँ पे चेक करेंगे कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सप्लाई आ रहा है तो 100% ये रिले ख़राब है, रिले को चेंज कर दीजिए। और कभी कभी एम्पलीफायर जो है प्रोटेक्शन मोड में होता है और हम ये ट्रांजिस्टर जो है चेक करते हैं लेकिन इसमें कोई ख़राब नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पे देख सकते हैं 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये दो ड्राइव के लिए हैं, ये भी कभी कभी शॉर्ट होते हैं तो हमारा एम्पलीफायर प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो चेक कीजिए इसको भी, अगर ये ख़राब है तो इसको भी चेंज कर दीजिए। कभी कभी एम्पलीफायर में चलते चलते कुछ अजीब सा आवाज़ आने लगता है, तो उसके लिए इन सभी जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इन सबको चेक करना होगा। कोई इसमें से कोई कैपेसिटर जो है फुला तो नहीं है, अगर कोई फुला होगा तो पता चल जाएगा, या कोई ऐसे लूज तो नहीं है, जाके चेक कर लेना है। कभी कभी इस एम्पलीफायर में वैल्यूम को कम करने के बाद फटी फटी सी आवाज़ आती है, तो उस केस में आपको इसका जो ड्राइव वोल्टेज है उसको चेक करना है। अगर ड्राइव वोल्टेज कम आ रहे हैं तो उस केस में वैल्यूम को कम करने के बाद आवाज़ फटी फटी सी आएगी, और वैल्यूम को आधा बढ़ा देने के बाद आवाज़ जो है सही से आती है। इस ट्रांजिस्टर को जो है जो इसके ड्राइवर बोर्ड में लगा है ये और ये चेक कर लेना है, और किसी किसी ड्राइवर बोर्ड में ड्राइव वोल्टेज सेट करने के लिए इसमें प्रीसेट भी दिया होता है, तो आप उसको भी एडजस्ट करके उसको सेट कर सकते हैं। तो ये था एम्पलीफायर में होने वाले प्रॉब्लम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।